और चीज आपको फैक्ट बता दूं जर्मनी का, कि अगर आप जर्मनी में आएंगे, और हम जब नए नए आते हैं तो हमें ये बात पता नहीं थी कि हर एक चीज, मतलब इवन द इंग्रेडिएंट्स ऑन द पैकेट इज रिटन इन जर्मन। बात एग्स की यहाँ पे, हाँ, exactly. जो हमें भी नहीं पता थी दैट यहाँ पे तीन टाइप के एग्स आते हैं, तो उनपे नंबर लिखा होता है एक, मतलब इतना। मैं होगी, मैं हूँ कल्पेश, और आप हो टेल्स बाय गीत पे। कल्पेश कभी कभी हमें अपनी प्रेजेंस देके इम्पोर्टेंस फील करा देता है, तो आज ही इज डूइंग दैट बिकॉज ही इज बिहाइंड ऑल दिस डिस्कवरी। तो कल्पेश यूजुअली जाता था राशन लेने, और क्या हो जाता था, अब ठंड हो गई है तो उसको आता था बड़ा आलस राशन लेने में, तो कभी कभी ये है मेरा लाइफ स्टाइल। मैं कब से ढूंढना चाह रहा था, लाइक जैसे हम इंडिया में भी बिग बास्केट बहुत ऑर्डर करते थे, लाइक बिग बास्केट ऑर्डर किया, सारा घर सामान घर पे आ जाता है, जो बेसिक ग्रोसरीज है, तो उसका हम कुछ सोच रहे थे। हमें भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ ऑनलाइन सर्विस, नॉर्मल जो यहाँ पे ग्रोसरी शॉप्स हैं एलडी रेवे इन सब की, बट फिर हमें पता चला कि रेवे की ऑप्शन है होम डिलीवरी का फॉर नॉर्मल ग्रोसरीज, लाइक आप जो दूध अंडा जो ब्रेड जो भी अपन बेसिक चीजें ऑर्डर करते हैं उन सब चीजों के लिए। तो ये हमारा फर्स्ट ट्राई है, हमने फर्स्ट ऑर्डर किया है रेवे का, और अब हम आप लोगों के सामने इसको अनबॉक्स करेंगे। अनबॉक्स या मतलब बॉक्स तो नहीं है, पैकेट है, और आप लोगों को हम दिखाएंगे ब्रोकली और कौन कौन सी सब्जी हमने मंगाई है, उनके प्राइसेस क्या है। yes. तो और पैकेट्स भी काफी क्यूट है, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ कार्टून जैसे, और एक कार्टून के अंदर सारे नॉर्मली जैसे हम जाके लाते हैं पेपर बैग, तो इट्स ऑल इन द पेपर बैग, इट्स गुड। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट अनबॉक्सिंग। यस, कौन सा पहले स्टार्ट करें? कोई भी, आई थिंक सब्जियां दिखाते हैं पहले। पॉस्टिंग हमने मंगाए हैं मशरूम, तुम कॉस्ट बताओगे? ओके, मशरूम्स हम सबका कॉस्ट नहीं बताएंगे आपको, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि यहां पे ग्रोसरी कितने की मिलती है और क्या रेट्स हैं, तो थोड़े बहुत के आपको प्राइसेस बताते हैं। तो मशरूम्स हैं 250 ग्राम्स 1.69 यूरो के। तो मशरूम्स 250 ग्राम 1.69 यूरो जो भी हो रहा है यहाँ। फिर वी हैव ब्रोकली, ब्रोकली इज 500 ग्राम्स, ब्रोकली इज 500 ग्राम्स, एंड देन ब्रोकली इज 1.49 यूरो, 1.49 यूरो। तो एक्चुअली अब हमने इनटू 80 इनटू 90 करना बंद कर दिया है, क्योंकि जब आप इंडिया से नए नए आते हो तब आप इनटू 80 इनटू 90 करते हो, बट यहाँ के यूजुअली रेवे लिडिल एलडी दे आर नॉमिनल ग्रोसरीज, और यहाँ के प्राइजेस आपको मतलब ऑलमोस्ट सब जगह के सेम ही मिलेंगे। और ग्रीन अनियंस भी मिले इस बार हमें, ग्रीन अनियंस हमने कितने के ऑर्डर करे थे? ये 0.85 यूरो के हैं, 0.85। हाँ, कुछ कुछ चीजें हम नॉर्मली यहाँ जाते हैं तो हमें दिखती भी नहीं थी, अगर हाँ, हम इंडिया में जाते हैं तो ग्रीन अनियंस हमें इतने दिखे इतने नहीं, नहीं दिखे कभी, तो आज हमें ऑनलाइन मिले तो हमने मंगाए। हाँ। ओके, अंगूर, हमारे अंगूर आ गए हैं, ये है 500 ग्राम्स सीडलेस 2.59। तो यहाँ पे दो टाइप के ग्रेप्स आते हैं, तो वो जरूर ध्यान रखें, कर्न लॉस करके बोलते हैं, एक आते हैं जो थोड़े बड़े मोटे होते हैं उसमें अंदर बीज होता है, और जो अपन नॉर्मल इंडिया में नॉर्मल ग्रेप्स खाते हैं वो यहाँ पे सीडलेस बोलते हैं, सीडलेस बोलते हैं, तो हम मोस्टली यही वाले मंगाते हैं। पर एक बार हम ले आए थे, ओ गॉड, और हमने ऐसे ही खा लिया, और बीच में खाने दो तीन बीज होते हैं, हाँ। जो खाने का मजा है अंगूर का वो चला ही जाता है। हाँ। बट गुड पार्ट इसके यहाँ पे अंगूर ऑल ईयर अराउंड मिलते हैं, बिकॉज आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द वेदर, मोस्टली यहाँ पे अंगूर हमें ऑल ईयर अराउंड मिलते हैं। नेक्स्ट ये भी है फ्रोजन मटर, हाँ ये हमने फ्रोजन मटर मंगाए, तो ये मैं जनरली इसलिए मंगाती हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे एक तो मटर नॉर्मली कम दिखे हैं, और मिलते भी है तो छीलने में इतना टाइम नहीं होता। वैसे इंडिया वाले वैसे भी नहीं, काफी पतले आते हैं तो अंदर शायद इतने बड़े बड़े नहीं मिलते। हाँ, बट ये हमें मिले हैं 1.69 यूरो के 1 kg, 1.69, विच इज वेरी गुड। ये भी सस्ते मिले ना नॉर्मली बाकी एडिका से, हम यूजुअली एडिका जाते हैं, वो भी एक और ग्रोसरी स्टोर है जहाँ पे आपको ग्रोसरीज मिल जाती हैं, हमारे घर के पास एडिका है तो मोस्टली हम एडिका जाते हैं, और मैंने नोटिस किया हल्का सा एडिका कुछ कुछ चीजों में हल्का सा ज्यादा है एज कम्पेयर टू एलडी एंड रेवे, मतलब ओवरऑल बिल पे ऐसा नहीं होगा कि 25 यूरो या 10 यूरो का डिफरेंस आएगा, बट इफ यू टेक अ लॉट ऑफ ग्रोसरीज एंड इन द एंड मे बी यू विल फील के बिल में 5-6 यूरो का फर्क है। करेक्ट। और एक और चीज की तपेश की फेवरेट, हमने यहाँ पे योगर्ट्स, अगर आप ग्रोसरी स्टोर पे जाएंगे तो आपको योगर्ट्स का एक बड़ा आइल दिखेगा, मतलब यू विल बी आप नहा लो, आप योगर्ट में नहा सकते हो,
योगर्ट्स होंगी, तो ये योगर्ट्स हैं, ये हमने एक न्यू स्मूदी ट्राई करी है, तो स्मूदी है इस पे ऑफ था कुछ, तो ये 1.11 की है। अच्छा, ये मैंगो स्मूदी, कुछ न्यू स्मूदी आई थी 1.8 की जगह 1.1, एंड योगर्ट तो सारे 0.39 के हैं, छोटे छोटे। 0.39 में आपको 150 ग्राम एक योगर्ट मिल जाता है, जैसे अपने इंडिया में एपिगामिया चलने लग गया था ये उस टाइप का ही है, पर इसमें यहाँ पे दोनों वेदर, मैं वेजिटेरियन हो गई हूँ कन्वर्ट, लेकिन मैं एग्स खाती हूँ तो इसलिए एग्स। और एक इंटरेस्टिंग बात एग्स की यहाँ पे है, exactly. जो हमें भी नहीं पता थी, दैट यहाँ पे तीन टाइप के एग्स आते हैं, तो उनपे नंबर लिखा होता है एक, मतलब इतना दूर से शायद दिख ना रहा होगा, 0, 1 and 2। तो यहाँ पे एक छोटी सी फोटो डाल देंगे तो आप देख पाओगे। हाँ, तो 3 and 0, 1, 2, 3 भी आते हैं, बट मोस्टली 0 and 2 हम इज लाइक 0 मतलब बायो, जो अच्छे फार्म्स में ग्रो करते हैं, फ्री लैंड मतलब उनको एक फ्री लैंड पे रखा जाता है, और बोर्डन मतलब केजेस में उन्हें रखा जाता है, तो वो होते हैं 2। तो दिस इज आर रिकमेंडेशन, और हमने भी आने से पहले किसी ब्लॉग पे ही पढ़ा था कि जनरली आप 2 वाले अवॉइड करो तो अच्छा है, तो हम 0 हम प्रेफर करते हैं कि हम 0 लाएं या हम 1 लाएं, क्योंकि यहाँ पे एग्स हम ऑलमोस्ट हर 2 या 3 दिन में एक बार ब्रेकफास्ट में बनाते हैं, तो that would be our recommendation, but please do your own research as well, मतलब हम कुछ क्या पता बहुत उसमें कुछ अलग चीज हो जो हमें नहीं पता है, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो हम अपना पर्सपेक्टिव चेंज करें, पर मैंने ऐसा ब्लॉग्स में तो पढ़ा था। यस, एंड इसका प्राइस है, हमने 2 पैकेट मंगाए हैं, 2 पैकेट का है, ओके 1 पैकेट का प्राइस इज 2.69 यूरो, बायो का 10x है इसके अंदर। नेक्स्ट, गीत्स फेवरेट अवोकाडो, आई लव अवोकाडो। यहाँ पे आने के बाद मुझे एक ही चीज जो अच्छी लगती है और शायद जो मैं इंडिया जाने के बाद मिस करूंगी, इंडिया में इतने अच्छे अवोकाडो नहीं मिलते थे, और यहाँ पे समय तो नहीं, हाँ मतलब एक दो बार मैं लाई भी थी, लेकिन वो अंदर से बहुत ज्यादा तो रॉ होंगे, तो उतने अच्छे मुझे नहीं मिलते थे, पर यहाँ पे मुझे बहुत अच्छे अवोकाडो मिलते हैं, तो आई मेक अवोकाडो टोस्ट, अवोकाडो इन सैलेड, ग्लूकामोल फॉर मेक्सिकन, तो मुझे ये चीज ऐसी लगती है कि अगर हम इंडिया वापस जाएंगे तो आई मिस। यस, और ये है 1.69 यूरो का एक, 1.69 यूरो का एक। हाँ, इस पे मैंने बहुत अलग अलग वैरायटी ऑफ प्राइसेस भी देखे हैं। हाँ, इस पे बहुत काफी हमने वेरिएड प्राइसेस देखे हैं, कहीं 2 कहीं 1। एक और चीज दिखाती हूँ जो यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलती है, वो है चेरी टमाटोज, अगर आप देखेंगे तो, और इनका हमें प्राइस है, इसका है 1.69, इसका प्राइस भी ज्यादा नहीं है, दिस इज ऑल्सो आई थिंक 2.29 विच इज गुड, एंड ये 200 ग्राम का पैक है। और पता है पीनट्स में और यहाँ पे तो ट्रांसलेट करनी पड़ती है, अगर आप कुछ स्पेसिफिक चीज देख रहे हो, या आपको आप प्योर वेजिटेरियन हो, आप एग्स नहीं खाते, या आप क्योंकि यहाँ पे जनरली ब्रेड्स में एग्स होगा, तो आपको लिटरली मुझे ट्रांसलेट करना पड़ता है कि प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, या इवन प्राइस, इंग्रेडिएंट्स, एवरीथिंग फ्रॉम ब्रांड टू पैकेजिंग, एवरीथिंग विल बी इन जर्मन, एंड गूगल, थैंक्स टू गूगल ट्रांसलेट, थोड़ा सा मुझे इसमें फ्लैक्स सीड्स भी दिख रहे हैं, तो ये हमने एक्चुअली पहली बार मंगाए हैं, मतलब हम टोटला लाए हैं, लेकिन मैंने इस ब्रांड के एक बार भी नहीं मंगाए हैं। ये 1.19 यूरो के इसमें कितने 6 पीस है, 1.19 यूरो में 6 पीस। आपको अगर डिश वॉशर के लिए कुछ लेना है एरियल, सो इट्स लाइक नॉर्मल ग्रोसरी शॉपिंग जैसे हम जाते हैं, तो सब कुछ मिलता है, जैसे हमने इस बार एरियल का ये डिश वॉश मंगाया, सॉरी वॉशिंग लिक्विड मंगाया है, डिश वॉशिंग और वॉशिंग लिक्विड को मिक्स कर दिया, तो ये भी काफी अच्छा और इजीली हम आ गए, अदरवाइज आपको इतना सामान उठा के लेके आना पड़ता है। हमारे पास कार नहीं है एक्चुअली, तो हमें सब उठा के लेके आना पड़ता है, तो जो बड़े बड़े आइटम है आप वो भी इजीली ऐसे मंगा सकते हो, फॉर एग्जाम्पल हैंड वॉश, तो हैंड वॉश रिफिल लिक्विड, तो मतलब नॉर्मल ग्रोसरी पे जैसे हम जाते हैं, यू आर नॉट गेटिंग जस्ट ग्रोसरी, आपको बाकी सारे सामान जो हमें चाहिए होते हैं वो सब भी मिल जाते हैं। एंड प्लस अगर आपको फर्स्ट टाइम ट्राई करना है, तो फर्स्ट टाइम डिलीवरी हमें फ्री मिली है, 50 यूरो प्लस ऑर्डर होना चाहिए, देन यू गेट फर्स्ट टाइम डिलीवरी फ्री। एंड अगर आप देखो तो मोस्टली यहाँ पे मिल्क कार्टन्स में आता है, तो मिल्क ही आपका एक आधा दिन तो चल जाता है, तो आप मिल्क मंगा लो, आप कर्ड मंगा लो, तो आप 50 यूरोस का एक बार मंगा सकते हो, तो उसके बाद आप अपने आप डिसाइड कर सकते हो कि हाँ। और नॉर्मली भी जब हम ऐसे भी लेने जाते हैं, तो हमने
एवरेज हमारा प्राइस 40-45 तो आता ही है जब भी हम लेने जाते हैं। एवरेज ग्रोसरी वीकली ग्रोसरी इज 50 यूरोस और आजकल वर्क फ्रॉम होम के बाद तो आई थिंक अब 60-70 हम जब भी जाते हैं तो आता ही है। तो इन एनी केस वो सेम ही है कि हम वहां जाके 60 पे करें या फिर हम घर पे मंगा लें। एंड आई थिंक सेकंड टाइम से कुछ डिलीवरी चार्ज है वो हमें पता है कितना है अभी तक नहीं, वो देखना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम डिलीवरी फ्री थी बट मिनिमम ऑर्डर 50 है, उससे नीचे तो जितना मैंने देखा है ऑर्डर ही नहीं होता। बट 50 के ऊपर ऑर्डर होता है बट वो मुझे चेक शायद 3 यूरो या 5 यूरो कुछ डिलीवरी होगी उसकी। और कोई इंटरेस्टिंग आइटम? हाँ, यहाँ पे छोटे छोटे ऑरेंजेस मिलते हैं, दो टाइप के ऑरेंजेस, दो तीन टाइप काफी टाइप के ऑरेंजेस आते हैं। हमारे सर्दियों में मिलते थे ना छोटे वाले संतरे जिसको बोलते नागपुरी संतरा, सो दिस इज दैट नागपुरी संतरा, लिटरली स्वीट एंड नाइस। और यहाँ पे हमें मिल जाता है, ये हमें कितने का मिला ऑरेंजेस? यहाँ पे उतने महंगे नहीं लगे ना ऑरेंजेस। 1 kg, दिस इज 2.49, 1 kg × 2.49। अब इंडिया वाला कन्वर्ट भी करूँ तो भी 2 × 90 के आसपास हो गया, 200 के आसपास। एंड ये नॉर्मल खाने के लिए बहुत अच्छे हैं। और दूसरे बड़े वाले आते हैं, मैं तो इसको यहाँ की मौसमी बोलता हूँ क्योंकि इसमें इसका कवर भी काफी मोटा होता है और नॉर्मली खाने में थोड़े सार टेस्ट या खट्टे होते हैं हल्के से, तो हम मेनली ये मंगाते हैं कि हम इसका जूस निकाल सकें। हाँ, फ्रेश ऑरेंज जूस निकाल के आपको हेल्प करेंगे क्योंकि मुझे भी स्टार्टिंग में नहीं पता था बट जब पता लगा तो मैं कब से सोच रहा था एक बार ट्राई करूँ। एंड अभी तक का फर्स्ट एक्सपीरियंस तो काफी अच्छा रहा है, डोर पे आपको सर्विस घर पे देखे गए हैं। मैं ट्राई करूंगा और इसको यूज करने का एंड देन देखते हैं कितना अच्छा रहता है गोइंग फॉरवर्ड। बट एंड मे बी वी कैन गिव यू अ फीडबैक अगर हमें अच्छा नहीं, मतलब हमें हमारा ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा हो, बट अभी तक इट वाज नाइस। दे केम एट द डोर, दे गेव अस द प्रोडक्ट्स, द प्रोडक्ट्स लुक फ्रेश, मतलब जैसे मैंने आपको ब्रोकली दिखाई एक्चुअली ऐसे ही लगती है जब हम जाके खरीदते हैं ब्रोकली। तो इवन जैसे और वहाँ पे हम फ्रेश लेते हैं तो ऐसे ही मिलते हैं। और लास्ट एक चीज और थी कि इसकी खुद की रेवे की अपनी एक ऐप भी है, तो इट इज ओके बट मोस्टली अभी तक मुझे ऑप्शन नहीं दिखा है इसमें कि मैं इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करूँ, तो पूरी जर्मन में। तो मैं प्रिफर करता हूँ कि वेबसाइट पे जाके क्रोम में वो ऑटो ट्रांसलेट कर देता है, मैं वहां से ऑर्डर करता हूँ। जस्ट एज अ टिप। And it is not a sponsored. Yes, not video. A sponsored video by. अभी हम इतने हमारे इतने subscribers नहीं हुए कि हमें sponsorships मिले, लेकिन cash मिले जल्दी। हाँ, लेकिन this is all just our review that we did. Yes. And one more thing, now we are going to say you bye, but before we say you bye, we are going to tell you about next week. We are doing a very एक interesting चीज कर रहे हैं। हाँ। जो हमारे लिए unique thing है, काफी हमारे लिए भी नया experience है। फूड से रिलेटेड है बट ग्रोसरी शॉपिंग नहीं है, जैसा हम लिफ्रेंडो मतलब यहाँ की जो स्विगी या उसको बोलते हैं, स्विगी ज़ोमैटो नहीं है लेकिन खाना है और आपका लंच है, लेकिन ग्रोसरी भी नहीं है तो कुछ स्पेशल चीज है, कुछ नया है, इंटरेस्टिंग है, उसका हम डेमो करेंगे, वो हमारे लिए भी फर्स्ट ट्राई है। तो नेक्स्ट वीक इस वीडियो पे जरूर आना, भूलना मत, एंड डू हिट दैट बेल आइकन, सब्सक्राइब बटन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले कि हम नए वीडियोस डाल रहे हैं।